फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी मसल्स को ग्रो करने के लिए लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसके साथ ही वो डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, पर उसके बाद भी वो इतने अच्छे रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पा रहे। तो इस वीडियो में मैं आपको 11 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो शायद आप भी कर रहे हो और जिस वजह से आपकी बॉडी ना बन पा रही हो। तो अगर आप भी एक ऐसे इंसान हैं जो मसल्स ग्रो करने के लिए काफी कोशिशें कर रहे हैं और उसके बाद भी आप अपनी मसल्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि बॉडी बनाने की यानी मसल्स को ग्रो करने की एक कंप्लीट साइंस होती है और उसे अगर कोई पर्सन सही तरह से फॉलो करता है तो वो कम से कम टाइम में अपनी ज्यादा से ज्यादा मसल्स ग्रो कर पाता है। और मसल्स ग्रोथ की इसी साइंस से जुड़ी बहुत सारी गलतियां जिम में या घर पर एक्सरसाइज करते हुए लोग करते हैं। तो क्या गलतियां हैं जो आपकी बॉडी की ग्रोथ को रोकती हैं और इन्हीं गलतियों को एक एक करके आपको जान लेना बहुत जरूरी है और उसी के साथ हम आपको इन गलतियों को सुधारने के तरीके भी बताते चलेंगे। तो बहुत जरूरी है आपका इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना। तो नंबर एक पर आता है रॉन्ग वर्कआउट रूटीन। फ्रेंड्स, आप सभी कोई ना कोई वर्कआउट रूटीन फॉलो करते हैं जिसमें मंडे के दिन आप किसी मसल्स ग्रुप का वर्कआउट करते हैं और ट्यूसडे के दिन किसी अलग मसल्स ग्रुप का वर्कआउट करते हैं। इस तरह का रूटीन वर्कआउट रूटीन होता है। तो आपको जान लेना चाहिए कि कोई भी वर्कआउट रूटीन हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता। आपको अपनी बॉडी टाइप और फिटनेस गोल्स को देखते हुए वर्कआउट रूटीन को फॉलो करना होता है, क्योंकि मान लो कोई पर्सन जो कि वेट लूज करने के लिए वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहा है और आप उसके जैसा ही वर्कआउट रूटीन फॉलो करने लगते हैं, पर आपका गोल मसल्स ग्रोथ का है, तो ऐसा रूटीन फॉलो करके आप भी वेट लॉस और मसल्स लॉस कर सकते हैं। तो फिटनेस गोल्स और बॉडी टाइप के हिसाब से वर्कआउट रूटीन फॉलो करें। एक सही वर्कआउट रूटीन में ये चीजें होनी चाहिए। नंबर एक, वीक में आपको इस तरह से एक्सरसाइज रूटीन बनाना है जिसमें आपकी मसल्स को प्रॉपर रेस्ट मिल सके, और हफ्ते में एक दिन कंप्लीट बॉडी रेस्ट आपको देना चाहिए। दूसरा, आपको हर एक मसल्स ग्रुप की वर्कआउट अपने रूटीन में रखनी चाहिए जिससे हर एक मसल्स की प्रॉपर ट्रेनिंग हो सके और किसी भी मसल पार्ट की ओवर ट्रेनिंग से आपको बचना है। नंबर दो, एक ही वर्कआउट रूटीन को ज्यादा टाइम तक फॉलो करना। देखिए, हमारी बॉडी मसल्स को तब ग्रो करती है जब वर्कआउट की वजह से हमारी मसल्स पर स्ट्रेस बढ़ता है, क्योंकि एक्सरसाइज की वजह से जब मसल्स पर स्ट्रेस बढ़ता है तो उस स्ट्रेस से निपटने की प्रोसेस में ही मसल्स का साइज बढ़ता है। और दूसरी तरफ हमारी बॉडी का सिस्टम ऐसा है कि हमारी बॉडी बहुत जल्दी किसी भी वर्कआउट रूटीन को अडेप्ट कर लेती है, और जब हमारी बॉडी किसी वर्कआउट रूटीन को अडेप्ट कर लेती है तो उसके बाद वो वर्कआउट रूटीन आपकी मसल्स पर उतना स्ट्रेस नहीं डाल पाता है, यानी आपकी मसल्स को पुराने रूटीन वाली एक्सरसाइजेज परफॉर्म करने की आदत हो जाती है और इसी वजह से आपकी मसल्स पर इतना स्ट्रेस नहीं आता और मसल्स ग्रो होने की स्पीड बहुत कम हो जाती है या रुक भी जाती है, और इसीलिए आपको अपना वर्कआउट रूटीन चेंज करते रहना चाहिए। अब वर्कआउट रूटीन आप चेंज कैसे करेंगे? तो हर किसी की बॉडी का टाइप अलग होता है, तो अगर 2-2.5 महीने बाद भी वही वर्कआउट रूटीन फॉलो करके आपकी मसल्स ग्रो हो रही हैं तो आपको वर्कआउट रूटीन चेंज नहीं करना, और जब आपको लगे कि आपकी मसल्स का साइज ग्रो नहीं हो रहा तब आपको अपना वर्कआउट रूटीन चेंज करना है। अगली मिस्टेक जानने से पहले फ्रेंड्स, एक लाइक इस वीडियो को जरूर कर देना। नंबर 3, गलत एक्सरसाइज टेक्निक्स। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपके वर्कआउट रूटीन में सही एक्सरसाइजेज आप करते हो, पर अगर आप एक्सरसाइज को सही से परफॉर्म नहीं कर पाते तो भी आपकी मसल्स की ग्रोथ नहीं होती। आपको हर एक एक्सरसाइज को सही टेक्निक से परफॉर्म करना जरूरी है जिससे आपकी मसल्स पर प्रॉपर स्ट्रेस बढ़ सके और आप इंजरी से भी बच सकें। तो कुछ रूल्स जो किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए जरूरी होते हैं, उनमें नंबर 1 है फुल रेंज ऑफ मोशन, यानी आपको किसी भी एक्सरसाइज को आधा परफॉर्म नहीं करना है। मान लो पुशअप्स आप लगा रहे हैं तो पूरा ऊपर तक इसमें आपको आना है और पूरा नीचे तक आपको जाना है। इसी तरह से हर एक्सरसाइज के हर सेट को आपको पूरा अच्छे से परफॉर्म करना है। नंबर 2, हर एक्सरसाइज में सेट को आपको तेजी से नहीं बल्कि हल्की स्पीड से और कंट्रोल के साथ करना है। नंबर 3, कोई भी एक्सरसाइज करते हुए आपको अपनी बॉडी को हिलाना नहीं है, सिर्फ जिस मसल पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं उसी को आपको मूव करना है। नंबर 4, रॉन्ग एक्सरसाइजेज। जिम में ज्यादातर नए लड़के ये गलती करते हैं कि वो आइसोलेशन एक्सरसाइजेज बहुत ज्यादा करते हैं और कंपाउंड एक्सरसाइजेज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, या फिर ज्यादातर अपनी पसंद की ही एक्सरसाइज आप में से बहुत सारे लोग करते हैं। तो आपको अपने वर्कआउट में जितने भी एक्सरसाइजेज हैं हर एक को अच्छे से परफॉर्म करना है, और कंपाउंड एक्सरसाइजेज करने से आप
आपकी मसल्स टिश्यूज की सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। तो कंपाउंड एक्सरसाइजेज जो आपके रूटीन में हो, जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, चिनअप्स, डिप्स, बेंच प्रेस और वाइड ग्रिप पुलअप्स जैसी कंपाउंड एक्सरसाइजेज को आपको जरूर करना है, क्योंकि इनसे आपकी मसल्स की ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है। नंबर 5, अपने वर्कआउट रूटीन में प्रोग्रेस ना करना। मतलब कि आपको अपने किसी भी सेट में हर 20 से 25 दिन बाद थोड़ा बहुत वेट बढ़ाना है या फिर नंबर ऑफ रेपिटेशंस आपको बढ़ाने हैं। जब आप वेट उठाते रहते हैं तो आपकी मसल्स को उतने ही वेट से और ज्यादा रेप्स निकालने की आदत हो जाती है, और या फिर जितना वजन आप उठाते हैं उससे ज्यादा वजन उठाने की कुछ ही दिनों में आदत हो जाती है आपकी मसल्स को। तो मान लो अगर आप 5 किलो के डंबल से एक्सरसाइज करते हैं तो 20 या 30 दिन बाद आप 6 या 7 किलो के डंबल से एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, और अगर डंबल वेट आप नहीं बढ़ा पाते तो आप अगर 5 किलो के डंबल से 10 रेप्स निकालते थे तो कोशिश करें कुछ टाइम बाद आप 15 रेप्स निकालें। ऐसा आपको हर एक मसल्स ग्रुप की एक्सरसाइज में करना है, जिससे आपकी मसल्स पर लगातार स्ट्रेस बना रहे और आपकी मसल्स लगातार ग्रो करती रहें। नंबर 6, मसल्स को प्रॉपर रेस्ट ना देना। देखिए, जितनी जरूरी एक्सरसाइज है उतना ही जरूरी मसल्स को रेस्ट देना भी होता है मसल्स की ग्रोथ के लिए। तो आपको एक वर्कआउट से दूसरी वर्कआउट के बीच में एक दिन का गैप रखना चाहिए, यानी कि दिन में एक ही बार एक्सरसाइज ज्यादातर लोगों के लिए सही होती है, जिससे कि एक वर्कआउट से दूसरे वर्कआउट के बीच में मसल्स को प्रॉपर रेस्ट मिल सके। और वीक में एक दिन कंप्लीट बॉडी रेस्ट आपको देना होता है, जिसमें आपको वर्कआउट नहीं करना। नंबर 7, पूरी नींद ना लेना। एक्सरसाइज में जो हमारी मसल्स ब्रेक और डैमेज होती हैं, उनकी रिकवरी और रीबिल्डिंग सबसे ज्यादा हमारे सोते वक्त ही होती है। तो 7 से 8 घंटे की कंप्लीट नींद लेना भी मसल्स ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसे आपको मिस नहीं करना। नंबर 8, प्री वर्कआउट डाइट ना लेना या फिर सही से ना लेना। आपको वर्कआउट से 1.5 से 2 घंटे पहले प्री वर्कआउट डाइट लेनी जरूरी है, और ऐसी प्री वर्कआउट डाइट आपको लेनी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से आपको लंबे टाइम तक और हार्ड एक्सरसाइजेज करने की एनर्जी मिलती है। तो प्री वर्कआउट में आप उबले हुए आलू या फिर ब्राउन ब्रेड या फिर ब्राउन राइस आप ले सकते हैं। इसके अलावा प्री वर्कआउट में क्रिएटिन सप्लीमेंट का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। नंबर 9, पोस्ट वर्कआउट डाइट ना लेना या फिर सही से ना लेना। फ्रेंड्स, अगर आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के बाद की डाइट आपकी दिन भर की सबसे जरूरी डाइट होती है, क्योंकि वर्कआउट के बाद आपकी मसल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन वाली डाइट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वर्कआउट के बाद आपकी मसल्स में प्रोटीन, ग्लाइकोजन और क्रिएटिन लेवल काफी डाउन होता है। तो वर्कआउट के बाद बहुत से लोग वे प्रोटीन शेक लेते हैं, जिसमें 25 से 30 ग्राम प्रोटीन आपको एक सर्विंग पर मिल जाता है। पर सिर्फ वे प्रोटीन शेक लेना ही आपके लिए काफी नहीं होता, उसके 1 घंटे बाद आपको प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वाली डाइट लेनी चाहिए। नंबर 10, कम कैलोरी लेना। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि कैलोरी ज्यादा लेने से उनकी बॉडी में फैट जमा हो जाएगा, पर अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपको कैलोरीज की भी जरूरत पड़ती है। आपको ज्यादा कैलोरीज नहीं लेनी, अपनी बॉडी वेट के हिसाब से कैलोरीज लेना आपको होता है, और बॉडी की नीड के हिसाब से कैलोरीज ना लेना भी मसल्स की ग्रोथ ना होने का एक बड़ा रीजन हो सकता है। नंबर 11, डिहाइड्रेशन। बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते कि एक्सरसाइज के दौरान आपकी बॉडी हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी होता है, पर एक्सरसाइज करते हुए आपको पानी बहुत ही कम या फिर पीना ही नहीं होता है। तो आप सुबह उठते ही पानी पीना शुरू कर दें, और जिम जाने से पहले आप 1.5 से 2 लीटर पानी पी लें, पर एक साथ आपको पानी इतना नहीं पीना है, हर आधे से 1 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। फ्रेंड्स, अब आप कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सी गलती आप कर रहे हैं अपने वर्कआउट में, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।